नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय समस्त यक्ष यक्षणिया स्वाहा। आज हम आपको यहाँ यक्षिणी साधन के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आप इसके उच्चारण को निरंतर अपने घर में बजाते रहें, सुनते रहें, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसका विधि विधान का वर्णन केवल दीक्षित साधकों यानी जिन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली हो तो केवल उन्हीं को ही इसका पूरा विधि विधान और वो गुरु द्वारा साधन करवाया जाता, सिद्ध करवाया जाता है। इसलिए उसका विवरण हम यहाँ नहीं देंगे, केवल मंत्रोच्चारण करेंगे। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, समस्त यक्षिणी स्वाहा। तो जब गुरु और शुक्र अस्त न हो उस समय अषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन साधक को शौर कर्म आदि से निवृत्त होकर, ये शौर कर्म की साधना हम योगेश्वरी फिल्म में बता चुके हैं, शौर कर्म वगैरह कैसे किए जाते हैं, उनके क्या नियम हैं, तो फिर यक्षिणी का साधन करना चाहिए। उसे अपना चंद्र बल देखकर श्रावण की प्रतिपदा के दिन से प्रयोग आरंभ करना चाहिए। सावन के महीने की पहली तिथि यानी प्रतिपदा, और पूरे 30 दिन तक चलाना चाहिए। ये सावन के महीने की साधना है। तो यक्षिणी साधन से पहले शिवजी के मंदिर में जाकर कुबेर का मंत्र 1 लाख उच्चारण कर लेना चाहिए। तो आप इस मंत्र को अपने घर में शिव की जहाँ प्रतिमा स्थापित हो, बाकायदा प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो, संस्कारित हो, उसके समक्ष इसको बजाते रहेंगे तो 1 लाख आवृत्ति उच्चारण की पूर्ण हो जाएंगी, तो वो ये मंत्र और अपने आप ही स्वतः सिद्ध हो जाता है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि मे दे दापय दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि मे दे दापय दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि मे दे दापय दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि मे देहि दापय दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि मे देहि दापय दापय स्वाहा। तो इस क्रिया से यक्षिणी बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और जब कुबेर के मंत्र का जप करना हो तो उससे पहले बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र शिव की षोडशोपचार से पूजा, रुष्ट्राध्यायी का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का 5000 जाप कर लेना चाहिए, तो काम बहुत जल्दी होता है। ओम राम ओम जूम स ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुखीयमामृतात् ओम स्व ओम भुव ओम भू ओम स ओम जूम ओम हौम ओम ओम हौम ओम जूम स ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम त्र्यंबकम्
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् ॐ स्व ॐ भुव ॐ भूः ॐ स ॐ जूं ॐ ह्रां ॐ यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिया बांधव एकाम मे वशगाम नित्यम यक्षिणी कुरुते नमः। यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिया बांधव एकाम मे वशगाम नित्यम यक्षिणी कुरुते नमः। अब यक्षिणी साधन की प्रक्रिया और उसके बाद में यक्षिणियों के मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं। ह्रीं क्लीं ऐं श्रीं महायक्षिण्ये सर्वेश्वर्ये पदात्यै नमः। ह्रीं क्लीं ऐं श्रीं महायक्षिण्ये सर्वेश्वर्ये पदात्यै नमः। ये बीबिल पत्र के ऊपर चढ़कर प्रतिदिन 3000 जाप करने का एक मास तक आलस्य रहित होकर नियम है। इसमें सुरा और आमिष की बलि का संस्कार करके अर्पित किया जाता है, यानी कि शराब और मांस, यानी कि सुरा यानी शराब और आमिष यानी मांस, इनकी बलि का संस्कार करके, संस्कारित बलि होती है ये, संस्कार करके उसको अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से अनेक रूपों को धारण करके यक्षिणी वहाँ आ जाती है। उस यक्षिणी के प्रत्यक्ष आने पर भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी तल्लीनता से मन लगाकर जप करते रहें। यक्षिणी जिस दिन बलि ग्रहण करके वर मांगने को कहे तो उससे इच्छित वर मांग लें, तब यक्षिणी प्रसन्न होकर सभी वर प्रदान करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं से पूजित इस प्रयोग को स्वयं करने में यदि समर्थ हों तो ये उच्चारण जो यहाँ इस सीडी में या इस फिल्म में चल रहा है, आप इसका ही उपयोग करें। और प्रयोग के दिनों में प्रतिदिन 3 कन्याओं को उत्तम श्रीरान्न का भोजन कराएं। तत्पश्चात यक्षिणी के सिद्ध हो जाने पर प्राप्त हुए धन आदि को सदा उत्तम कर्म में व्यय करें, यानी कि दान पुण्य धर्म करना चाहिए। जैसे धन बहुत ज़्यादा इसमें प्राप्त होता है, धन बहुत आता है, तो उसको हमेशा दान में पुण्य में और धर्म में व्यय करना चाहिए। अनुचित कर्म में अगर धन व्यय करेंगे तो सिद्धि चली जाती है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सभी यक्षिणियाँ यक्ष जाति की शक्तिशाली देवियाँ हैं और आदिशक्ति का ही एक स्वरूप है। यदि अटल विश्वास और पूजा विधि विधान के समय इनके मंत्र का जाप किया जाए तो ये बहुत शीघ्र सिद्ध होकर अपना फल प्रदान कर देती हैं। प्रत्येक यक्षिणी का एक विशेष प्रभाव क्षमता से संपन्न मंत्र है, तो हम यहाँ केवल मंत्र उच्चारण करेंगे, उनका विधि विधान वगैरह यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। वो जिसने गुरुदीक्षा ले रखी हो वो अपने गुरु से उनके सानिध्य में रह करके, उनके साथ रहकर और वो साधना करें और सिद्धि को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम कुबेराय यक्षाय नमः स्वाहा। आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, वर्जये दैन्यै स्त्रिया सेशयनं मन्यथा विनश्यति। वर्जये दैन्यै स्त्रिया सेशयनं अन्यथा विनश्यति। एं विचित्रे विचित्र रूपे सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओं ब्रीं बिभ्रम रूपे बिभ्रममम कुरु कुरु ए भगवती स्वाहा।
ओम रीम बिभ्रम रूपे बिभ्रमम कुरु कुरु ए ए भगवती स्वाहा। ओम रीम बिभ्रम रूपे बिभ्रमम कुरु कुरु ए ए भगवती स्वाहा। ओम लैम लैम सुलोचने सिद्धि देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रिके हं सः क्रीं क्लीं स्वाहा। हंसिनी हंसयाने क्लीं स्वाहा। ऐं मानिनी ह्रीं ऐ सुंदरी हस हस समीह मे सगमकं स्वाहा। विकले ऐं ह्रीं श्रीं ह्रूं स्वाहा। विकले ऐं ह्रीं श्रीं ह्रूं स्वाहा। ओम राम शतपत्रिके राम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम क्रोम कालकर्णिके ठह ठह स्वाहा। माहेन्द्री कुल कुल युल युल स्वाहा। ह्रां ह्रीं सिहु शमशानवासिनी स्वाहा। ओम ऐ ऐ यक्ष यक्ष महायक्ष वटवृक्ष निवासिनी शीघ्र मे सर्वं सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ऐं घंटेपुर शोवै शोवै राजा नाम शोवै शोवै भगवती गंभीर स्वर प्लीं स्वाहा। ओम शंखधारिणी शंखाभरणे ह्रां ह्रीं क्लीं ग्लीं श्रीं स्वाहा। ओम ऐं लक्ष्मी श्री कमलधारिणी कलहंसी स्वाहा। ओम अशोक पल्लवा कारेकार तले शोभनाम श्रीं शह स्वाहा। ओम अशोक पल्लवा कारेकर तले शोभनाम श्रीं शह स्वाहा। ओम ऐं मदने मदन विद्रावणे अनंग संगमम देहि देहि क्री स्वाहा। ओम ऐं मदने मदन विद्रावणे अनंग संगमम देहि देहि क्रीं स्वाहा। आगच्छ मनोहरि स्वाहा। ककनवती मैथुन प्रिय स्वाहा। ककनवती मैथुन प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं आगच्छ रति प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं आगच्छति प्रिय स्वाहा। ओम आगच्छानुरा ओम आगच्छानुरागिणी स्वाहा। ओम आगच्छानुरागिणी स्वाहा। ओम आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ नटी स्वाहा। ओम ह्रीं आगच्छ नटी स्वाहा। ओम ऐं विशाले त्रां त्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ऐं विशाले त्रां त्रीं क्लीं स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय स्वाहा।